हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन डेली टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। यह टेस्ट सीरीज रोज सुबह 7 बजे इसका प्रीमियर होता है, जिसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और जो शाम को 7 बजे आपको उसके आंसर दिए जाते हैं। तो तीसरी इस क्लास में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का सवाल के शुरू करते हैं। कोट स्तरीय उपकला पाई जाती है नेफोन तथा न्यूरोन में, स्वर यंत्र तथा ग्रसनी में, श्वसनाल तथा श्वसनी में, या मूत्राशय तथा आंत में। तो कोट स्तरीय उपकला उत्तक पाई जाती है श्वसनाल तथा श्वसनी में। तो तीन इसका सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्वर्ती उपकला पाई जाती है रिनल पेल्विस तथा मूत्र वहिनी में, मूत्राशय में, नर मूत्र वहिनी के ऊपरी भाग में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो ये किस में पाई जाती है? उपरोक्त सभी में। चार आंसर ठीक है। सरल एपिथेलीमी स्तर, सरल स्तंभी एपिथीलिया जिसमें सूक्ष्मांकुर दिखाई देता है, मुखगुहा, अमाशय, आत्र या कृष्णी। तो ये दिखाई देता है मुखगुहा में ठीक है। एक इसका आंसर हो गया। स्त्रत शल्की एपिथीलिया पाई जाती है मुखगुहा, अमाशय, आत्र या तिल्ली। किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है मुखगुहा में। एक इसका सही आंसर हो गया। रुधिर वाहिनी को आस्त्रित करने वाली उपकला कहलाती है। पांचवा क्वेश्चन, जिसमें पहला है मिसोथीलियम, एंडोथीलियम, खर्जी एपिथीलिया, स्त्रुत एपिथीलिया। तो क्या है आंसर इसका? सेकंड, एंडोथीलियम ठीक है। निम्न में से कौन सा मुख गुहा फेरिक्स की नम सतह को घेरे रखती है ठीक है? घनाभकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, ट्रांजिशनल उपकला या संयुक्त उपकला। किसके ऊपर होती है भाई? होती है संयुक्त उपकला। चौथा, फोर्थ, उत्तक नाम किसके द्वारा दिया था जंतुओं के लिए बताया गया है? पहला है बाइकार्ट, दूसरा है मेयर, मेलपिगी या हर्डविंग। किसने दिया था? ये दिया था बाइकार्ट ने। फर्स्ट, क्रिएटिन विहीन स्त्रुत शल्की एपिथीलिया पाई जाती है। आठवां क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है त्वचा, दूसरा आमाशय, तीसरा ग्रासनाल, चौथा है छोटी आंत। तो कौन सा सही है? तीसरा, ग्रासनाल। नेक्स्ट, कॉर्निया की एपिथीलियल लाइनिंग क्या है? स्त्रुत शल्की एपिथीलिया, अंतवर्ती, सामान्य घनाकार, सामान्य शल्की। क्या है नवा क्वेश्चन में? स्त्रुत शल्की एपिथीलियम फर्स्ट ठीक है। दसवां क्वेश्चन आज का, उपकला उत्तक उत्पन्न होता है एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से या उपयुक्त सभी से। तो उपकला उत्पन्न किससे उत्पन्न होता है? उपयुक्त सभी से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कला बनी होती है हाइलुरोनिक अम्ल प्लस ग्लाइकोप्रोटीन ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, एंडोडर्मल कोशिका, अधिचर्म कोशिका। तो किसकी बनी होती है? हाइलुरोनिक अम्ल प्लस ग्लाइकोप्रोटीन की। तो एक इसमें सही आंसर है। दूसरा है, आहंडाल अमाशय तथा यकृत को आस्त्रित करने वाली उपकला है सामान्य शल्की, सामान्य घनाकार, सामान्य स्तंभी, या चौथा स्यूडोस्त्रुत स्तंभी एपिथीलिया। तो बारहवें में होगा तीसरा, सामान्य स्तंभी। तेरहवा क्वेश्चन, एपिथीलियस उत्तक जिनकी कोशिकाएं टाइल्स की भांति होती सटी हुई होती है, आंत्र के आंतरिक स्तर, आमाशय के आंतरिक स्तर, फेलोपियन नलिका का आंतरिक स्तर, या आहनाल की बाहरी स्तर। किसकी होती है? तो एवा क्वेश्चन में राइट है फोर्थ, आहनाल की बाहरी स्तर पर होती है एपिथीलियम उत्तक की जिनकी कोशिका टाइल की भांति सटी हुई होती है। चौथा, चौदहवा क्वेश्चन है, संयुक्त शल्की एपिथीलियम पाई जाती है आमाशय, ग्रसनी, आंत या श्वासनाल। ये तो ये होता है सिंपल है, तो ग्रसनी सेकेंड ठीक है। पंद्रहवा क्वेश्चन है आज का, देह गुहा आवरण बनाता है
देह गुहा जो है वो आवरण बनाता है किसका? रोमावी एपिथिलियम का, ग्रंथिल एपिथिलियम का, स्तंभी या सल्की एपिथिलियम का। तो किसका आवरण बनाता है देह गुहा? सल्की एपिथिलियम का। सही है। चलो किस गलत और युग्म को चुनिए। पक्षमाभि उपकला जिसका युग्म है ब्रोक्योल्स एवं फेलोपियन नली का। बी है संयुक्त उपकला जिसका युग्म है लाल ग्रंथि की नलिकाएं। सी है संगन नियमित जिसका युग्म है कंडरा स्नायु संयोजी ऊतक। चौथा है वायवीय ऊतक जिसका है त्वचा में उपस्थिति। तो कौन सा सही होगा? ए सी, बी डी, ए डी या डी? केवल केवल डी, केवल डी, वायवीय ऊतक की उपस्थिति में। फोर आंसर सा राइट है, केवल डी इसका राइट है। सोल्यूशन का वायवीय ऊतक त्वचा में उपस्थित। 17वां क्वेश्चन है आज का। अंडाशय की जननिक एपिथीलियम ही बनी होती है। अंडाशय की जो जननिक एपिथीलियम है वो किसकी बनी हुई होती है? स्तंभी एपिथीलियम, सल्की, घनाकार या स्तृत सल्की एपिथीलियम किसकी बनी हुई होती है? ये होती है तीसरी, घनाकार एपिथीलियम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिब्रेट की अधिचर्म बनी हुई होती है सामान्य एपिथीलियम, स्त्रुत एपिथीलियम, अनुवृत्ति एपिथीलियम या स्तंभी एपिथीलियम की। किसकी बनी होती है सामान्य में? यह बनी होती है सेकंड, स्त्रुत एपिथीलियम की। 19वां क्वेश्चन है आज का। अधीर वाहिनी और हृदय की आंतरिक स्तर को टेस्लेड एपिथीलिया कहा जाता है जिसका कारण क्या है? तो सामान्य सेल की उपकला का लहरदान होने से, सामान्य सेल की उपकला का टाइल्स की भांति होने से, या फिर सामान्य घनाकार लहरदार होने से, या सामान्य स्तंभी होने का। भाई कि अधीर वाहिनी और हृदय की जो आंतरिक स्तर है उसका किस कारण से उसे टेस्लेटेड एपिथीलिया कहते हैं? तो सामान्य स्तर यानी एक इसका राइट आंसर है आज। सामान्य स्तरीय उपकला का लहरदार होने के कारण उसे टेस्लेटेड एपिथीलिया कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन ये है कि स्वरयंत्र की जो लाइनिंग है वो बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है? स्त्रुत स्तंभी रोमावी एपिथीलियम, स्त्रुत शल्की एपिथीलियम, स्त्रुत घनाकार या स्त्रुत स्तंभी। 20वां क्वेश्चन है स्त्रुत स्तंभी एपिथीलियम की, एक यहाँ पर राइट आंसर है। शोडेरियन उपकला है तंत्रिका संवेदी एपिथीलियम, सामान्य शल्की, सामान्य घनाकार या जननिक उपकला है? इसका आंसर होगा एक, तंत्रिका। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है आधार कला नहीं पाई जाती है अनुवर्ती एपिथीलियम, शल्की एपिथीलियम, स्तंभी या घनाकार में। 22वें में आंसर क्या होगा? अनुवर्ती एपिथीलियम एक। 23वां, प्रसार योग्य जल प्रतिरोध उपकला है कौन सी है? घनाकार, शल्की, स्तंभी या अनुवर्ती? ये होता है अनुवर्ती। चार, मेजोलियम यानी सोलियम का स्तर जो कि मेजोडर्म से उत्पन्न होता है, मतलब मेसोथीलियम है क्या है? सोलियम का स्तर जो कि मेजोडर्म से उत्पन्न होता है, सोलियम का स्तर जो कि एंडोडर्म से उत्पन्न होता है, हृदय का स्तर जो एंडोडर्म से उत्पन्न होता है, या हृदय का स्तर जो मेसोडर्म से उत्पन्न होता है? 24वां, इसमें पहला आंसर सही है, एक सही है 24वां में, सोलियम का स्तर जो कि मेजोडर्म से उत्पन्न होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की प्रगुहा और मेरुरज्जु की केंद्रीय नाल की लाइनिंग किसकी बनी हुई होती है? एपेंडाइमल उपकला, एंडोथीलियम, मेसोथीलियम या तंत्रिका संवेदी एपिथीलियम? तो किसकी बनी होती है? एपेंडाइल उपकला फर्स्ट, इसका सही आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे रोजाना। आपको आना है क्लास के अंदर 7 AM मॉर्निंग में, और 7 PM पे आपको क्या मिल जाएंगे, इसके आंसर मिल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि कल इम्पोर्टेंट सेशन ये है कि कल सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ लेना और कमेंट में जवाब ज़रूर दे सारे टेस्ट सीरीज के 25 क्वेश्चन। जब आप पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है जब जवाब देते हैं कमेंट्स पर। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट।